हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आपका एक और रेलवे की अपेंडिसशिप का नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज़ कर दिया गया है, जो आपका वेस्टर्न रेलवे की तरफ से देखा जा रहा है। तो सारा कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में कि कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, एज लिमिट क्या रखा गया है, सैलरी आपको क्या मिलेगा, आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा और फाइनली कितना इसका कट ऑफ तक जा सकता है, इसका ऑनलाइन आवेदन ऑनलाइन अप्लाई कैसे करेंगे, सारा कुछ जानने की कोशिश करेंगे। कौन कौन से सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, क्या वैसा काम नहीं करना है आपको ऑनलाइन आवेदन करते टाइम जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, तो सारा कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अभी आपका एक और आपका नागपुर का अपेंडिसशिप का भी भर्ती का फॉर्म भरा रहा है, इसका भी अभी लास्ट डेट बहुत नज़दीक है। तो जो लोग भी आवेदन नहीं किए हैं जल्दी से जाके ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए। ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर ऑन कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। अभी देखिए हम इसके ऑफिशियल साइट में है जिसका आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। चलिए चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में और सारा कुछ देखने की कोशिश करते हैं कि कब से अप्लाई कर सकते हैं। और पोस्ट का बात करें तो अच्छा खासा पोस्ट इसमें रिलीज किया गया है। तो देखिए हम आ गए इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे वेस्टर्न रेलवे। ठीक है, जैसे ये आपको जो नोटिफिकेशन है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप में इसको शेयर कर दूंगा, वहां से आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। बात करें आपका तो रेलवे रिक्रूटमेंट सेल एंगेजमेंट ऑफ अपेंडिसशिप ओपनिंग डेट का बात करें तो 28 तारीख से 28 मई से आपका सुबह 11 बजे से ऑनलाइन इसका जो साइट है ओपन हो जाएगा, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं आप। बिल्कुल आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बताऊंगा कि इसका ऑनलाइन अप्लाई जो है कैसे करना है नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में कितना पोस्ट है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया रखा है, वो कुछ सारा कुछ बात करेंगे। क्लोजिंग डेट का बात करें तो देखिए 27 तारीख तक क्लोजिंग डेट यहां रखा गया है, 27 जून तक शाम के 5 बजे तक। ठीक है, इंपॉर्टेंट का बात करें, देखिए इंपॉर्टेंट नोटिस में बात करें तो आपको सबसे पहले बोला गया कि फुल नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़कर ही आपको आवेदन करना है, जो इसका ऑफिशियल साइट यहाँ पे मेंशन किया गया है। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि आखिर आपको रेलवे अपेंडिसशिप करने का क्या फ़ायदा है, बहुत लोग पूछते हैं कि इसका क्या फ़ायदा। तो आप सभी जानते हैं कि कुछ ही दिन पहले अभी रेलवे के द्वारा अनाउंस कर दिया गया है कि जो लोग भी रेलवे से अपेंडिसशिप करेंगे ITI के बाद, उनके लिए उसमें 20% आरक्षण का बात कहा गया है रेलवे के लेवल वन पोस्ट पे, जो आपका जैसे ग्रुप डी वगैरह का जो आता है रेलवे में भर्ती, उसके लिए आपको 20% आरक्षण मिलेगा। इसके साथ ही साथ आपका आईटीआई का फाइनल में जिस भी ट्रेड से आप आईटीआई किए हैं उसमें जितना भी आपका मार्क्स होगा उसका 1/3 मार्क्स आपका ऐड होगा रेलवे ग्रुप डी के फाइनल मेरिट लिस्ट में। जी हाँ, 1/3 मार्क्स आपका ऐड होगा। वो प्रोसेस जो है इसी बार के एग्जाम से लागू हो गया है। और बात करें जो आपका फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होता है PET, वो भी आप रेलवे से जो अपेंडिक्स किए हैं ITI के बाद उन्हें देने की ज़रूरत नहीं है, ये भी बिल्कुल आप आपका नहीं होगा। आप एग्ज़ाम दीजिए, 1/3 मार्क्स आपका ऐड होकर मेरिट बनेगा सीधा, उसके बाद आपका मेडिकल होगा, PET आपको देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो रेलवे से अपेंडिक्स करने के और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो चलिए फाइनली हम बात करते हैं ये नोटिफिकेशन पर। तो यहाँ इंपॉर्टेंट सारा कुछ देख लेना है। देखिए यहाँ पर आपको मैंशन भी किया गया है कि रिक्रूटमेंट फॉर ओपन मार्केट टू पोस्ट कैटेगरी इन लेवल वन पोस्ट, जिसमें आपका 18,000 से लेकर 56,900 का सैलरी होता है, कोर्स कंप्लीट एक्ट अपेंडिसशिप ट्रेनिंग इन रेलवे एस्टैब्लिशमेंट एंड प्रोसेसिंग नेशनल अपेंडिसशिप सर्टिफिकेट विल बी गिवन प्रीफरेंस फिलिंग अप टू 20% वैकेंसी ऑन द क्वालिफाइंग दी आपका देखिए नॉर्म्स नोटिफाइड बाई दी RRB RRC यहाँ पर मैंशन किया गया है। चलिए नेक्स्ट आपका देखेंगे टोटल पोस्ट का बात करें तो टोटल पोस्ट आपको देखिए कितना देखने को मिलेगा, 3612 पोस्ट देखने को मिल रहा, कितना 3612 पोस्ट आपको देखने को मिल रहा इस अपेंडिसशिप में। बात करें कि एलिजिबल कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं तो देखिए यहाँ एज लिमिट दिया गया है कि 15 से लेकर 24 साल तक होना चाहिए। ST SC OBC को अपना अलग एज लिमिट में छूट दिया गया है। बात करें ST SC OBC तो 5 साल का आपको छूट देखने को मिलेगा ST SC में और 3 साल का OBC में, जो पिछला कंडीशन है वही सारा कुछ फॉलो कर रहा है, और 10 साल आपको PWD कैंडिडेट में देखने को मिलेगा। तो ये सारा कुछ आपको यहाँ पे देख लेना है, सारा कुछ आपका मेंशन किया गया है। बात करें देखिए इस जो लिमिट का तो आपका देखिए अनरिजर्व का जो है 98 से लेकर 2007 के बीच जिसका डेट ऑफ बर्थ है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। बात करें SC का तो 93 से लेकर 2007 के बीच है। ST का बात करें तो प्रेफरेंस लेके मैं बता रहा हूँ 93 से लेकर 2007 के बीच है। उसी तरह आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपको यहाँ पर देख लेना है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन का बात करें तो देखिए एलरेडी पासेज दी
प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन एट द डेट ऑफ इशू ऑफ द नोटिफिकेशन नंबर 26/5/2018 अंडर एट। आपको देखिए मेट्रिकुलेशन और टेंथ क्लास इन 10+2 एग्जामिनेशन सिस्टम विथ मिनिमम 50% मार्क्स आपका होना चाहिए, और आप जिस भी ट्रेड से ITI के हैं वो आपका सर्टिफिकेट के साथ साथ NCVT या फिर SCVT से मान्यता प्राप्त होना चाहिए, ये सर्टिफिकेट आपको होना चाहिए टेक्निकल में। चलिए बात करें आपका वैकेंसी का, तो देखिए सीरियल नंबर और डिजिग्नेटेड ट्रेड ITI ट्रेड, यहाँ पर सारा कुछ मेंटल किया है कि फीटर का फीटर से, वेल्डर गैस का वेल्डर से, टर्नर का टर्नर से, इस तरह का जो पोस्ट कितना फीटर में कितना पोस्ट रिलीज किया गया है वेल्डर में टर्नर में, ये आपको नीचे नोटिफिकेशन में देखने को मिलेगा। तो चलिए स्क्रॉल करके सारा कुछ देखने की कोशिश करेंगे। बात करें पेमेंट का, तो देखिए पेमेंट आपको 100 रुपीज़ का करना है जो नॉन रिफंडेबल रहेगा। किन किन का फीस नहीं लगेगा, तो ये SC ST और PWD कैंडिडेट का फीस नहीं लगेगा। SC ST और PWD कैंडिडेट का कोई फीस नहीं लगेगा, सिर्फ आपका जनरल और OBC को फीस देना है 100 रुपीज़। चलिए नेक्स्ट पॉइंट का बात करेंगे, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको इशू करवा लेना है, ठीक है, जो आपके रेलवे के साइट पे मिल जाएगा, या फिर फर्दर वीडियो में आपको मैं इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा। चलिए नेक्स्ट आपको देखते हैं, तो इसमें देखिए सारा कुछ आपको बताया गया है। मोड ऑफ सेलेक्शन क्या होगा वो भी देख लेते हैं। तो देखिए मोड ऑफ आमतौर पर रेलवे के अपेंडिसशिप में सिर्फ आपका BLW को छोड़कर, ठीक है, क्योंकि BLW में आपका 10% पे मेरिट बनता है, पर बाकी सारे अपेंडिक्स में 10+ ITI का, ठीक है, ITI का एवरेज मार्क्स पे आपका मेरिट बनेगा। फिर भी एक बार रीड करके देख लीजिए कि सेलेक्शन ऑफ द एलिजिबल एप्लीकेंट फॉर इम्पार्टिंग ट्रेनिंग अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 विल बी बेस्ड ऑन द मेरिट विच वुड बी प्रिपेयर टेकिंग द एवरेज ऑफ द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑप्टेंड बाई द एप्लीकेंट इन बोथ मेट्रिकुलेशन विथ मिनिमम 50% एंड ITI एग्जामिनेशन गिविन इक्वल वेटेज टू बोथ, दोनों में आपको इक्वल वेटेज दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट बात करें आपका, तो देखिए ट्रेनिंग का बात करें तो ट्रेनिंग आपका इसमें 1 ईयर का ट्रेनिंग दिया जाएगा आपको। स्टाइपेंड का बात करें तो देखिए स्टाइपेंड आपको जो रेलवे का रूल एंड रेगुलेशन के अनुसार है, मान के चलिए आपको 8,000 के आसपास आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा, ठीक है। मोड ऑफ एप्लीकेंट का, तो वो सिर्फ आपका ऑनलाइन है, आपको ऑफलाइन नहीं करना है, नहीं तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट आपका बात करें, सारा कुछ देखेंगे, डॉक्यूमेंट क्या क्या आपका अपलोड करना है, टेंथ का आपको टेंथ का मार्कशीट अपलोड करना है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ कुछ भी हो टेंथ का हो ये सारा कुछ अपलोड करना है, ITI का मार्कशीट अपलोड करना है, NCVT STVT का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है, PWD कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट वगैरह, आपको ये सारा चीज़ आपको वहाँ पर अपलोड करना है। इनवैलिड एप्लीकेशन का बात हुआ तो इसका अलग सेपरेट एक वीडियो बना के बताएंगे कि आप लोग को कौन कौन सा गलती फॉर्म भरते के टाइम नहीं करना चाहिए जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। चलिए क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, एग्रीमेंट आपका होगा ट्रेनिंग का 1 साल का, ठीक है, टेस्ट एंड सर्टिफिकेट, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, ये सारा कुछ आपको देखते हुए चलना है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे आपका लीगल मैटर, देखिए अब बात करते हैं वैकेंसी का कि फाइनली कितना कितना वैकेंसी रिलीज किया गया। स्लॉट ऑफ नोटिफाई फॉर द ईयर 2022-23, यहाँ पे देखिए सीरियल नंबर ट्रेड और MMTC, BRC, ADI, RTM, ये सारा कुछ आपका जो डिवीज़न है यूनिट वो सारा कुछ मेंशन किया गया है। फीटर का बात करेंगे तो टोटल आपको 941 वैकेंसी है, वेल्डर का बात करेंगे तो टोटल 378 वैकेंसी है, ऐसे करके टोटल वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कितना 3612 वैकेंसी है, टोटल 3612 वैकेंसी है आपका, इसमें 3612 वैकेंसी रिलीज किया गया है रेलवे अपेंडिसशिप के लिए। अब बात करें देखिए स्लॉट वाइज बात करेंगे तो BTC डिवीजन में आपका कितना है, देखिए मैकेनिकल डिपार्टमेंट का, तो इसमें टोटल वैकेंसी का बात करेंगे 200 टोटल वैकेंसी है, कितना टोटल वैकेंसी आपका 200 है यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वहीं बात करेंगे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का, तो देखिए यहाँ पे आपको 304 वैकेंसी देखने को मिल रहा है। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से अगर बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको 175 वैकेंसी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ स्लॉट वाइज सारा कुछ आपको बांट दिया गया है, जो भी आप डिपार्टमेंट से देखेंगे TTC हो, RTM डिवीज़न हो, सारा अलग अलग आपको बांट दिया गया है। तो ये जो आज का तो वीडियो जो है नोटिफिकेशन से पे सिर्फ बेस था, नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि आपको ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, उससे पहले ठीक है आपको कौन सा गलती ऐसा नहीं करना है जिसके कारण आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऐसा गलती नहीं करना है आपको फॉर्म भरते टाइम, नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इसके रिगार्डिंग आपका कोई भी डाउट हो कमेंट के रिगार्डिंग, फॉर्म कैसे अप्लाई करना है सारा कुछ आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, हम आपका रिप्लाई 100% दिया जाएगा। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल बटन को जरूर ऑन कर दीजिएगा।